किसी को भाई के साथ मिल जाना चाहिए था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, फ्रॉड फ्रॉड समझ में आ रहा है, फ्रॉड एकदम धांधली चलती है। मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत लोगों को सुनता पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे स्वामी जी पर जितनी संतोष मिलता है मुझे कहीं संतोष नहीं मिलता। इतना आनंद आता है वो लोग, कभी नहीं कहा कि, और लोग आरोप लगाते हैं कि अपने लोग हो, अपने लोग ना स्वाध्याय करने वाले, और तो कौन लगाएगा, कि स्वामी जी ने ध्यान का प्रकरण नहीं लिया। उन्होंने ध्यान करने को नहीं बोला। अरे लेकिन स्वामी जी ने बोला था, पढ़ के देख। आहा प्रभु, सारी जिंदगी ध्यान का ध्येय और ज्ञान का ध्येय एक ही एक विषय है, ध्यान ना विषय न ज्ञान ना विषय, एक विषय है। तो एक ज्ञान का ध्येय नक्की कराने में सारी जिंदगी लगाई 45 बरस, और जैसे ही ज्ञान का नक्की हुआ तो तत्काल उसका नाम ध्यान, उस ज्ञान गे पर, स्वय गे पर, ध्रुव भगवान पर बार बार उपयोग का आना, ये श्रद्धा का श्रद्धे, ज्ञान का गे, ध्यान का दे, तीन नए हैं। अभी मैं लौकिक के लंबे लंबे दृष्टांत दूंगा तो आप झट समझ जाओगे कि घर में ऐसा करते हो, पंडित जी अभी तक पत्नी का ज्ञान तो हुआ लेकिन पत्नी का श्रद्धान नहीं हुआ, क्या ये मेरा बच्चा है, इसको मैं अभी जान ज्ञान का घे तो बन गया लेकिन श्रद्धा का श्रद्धे नहीं बना, ऐसा होता है क्या? और चलते फिरते ध्यान का ध्येय नहीं बनता अपना बच्चा, बोलो। इसलिए पता है ज्ञान श्रद्धान और चारित्र तीन है ना, तीन, ये तीन पर्याय नहीं बोली, तीनों की एकता बोली है, तीनों की एकता है, जबकि तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं अलग अलग, इसके बावजूद तीनों की एकता होती है। अकेला ज्ञान नहीं होता, अकेला श्रद्धा नहीं होता, अकेला चारित्र नहीं होता, तीनों की एकता ही होती है। आगे समझ में आया, एकाग्र करना कि नहीं, उपयोग को एकाग्र करना कि नहीं। कि प्रभु एक काम कर, तू एक को समझ जा तो एकाग्र होता ही जैसा। एक को तो समझ, ध्रुव भगवान को तो समझ, एकाग्र हो जाएगा। चलो आगे, अब तो नहीं प्रॉब्लम, इससे बड़ा दृष्टांत क्या तुम बोलो? तो ये बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना, क्यों? जो लोग ऐसी बात कहते हैं, मुझे पता है कहते हैं लोग, और बड़ा प्रचार प्रसार है इस बात का, वाइब्रेशन का, कि मंदिर में जाने पर वाइब्रेशन, इस बात से जैन शासन का पूरा उल्लंघन होता है, 1% भी सिद्धि नहीं होती जैन दर्शन की। हाँ, क्यों? मैं इसलिए बात कहता हूँ, अरे रे उपसर्गों में, संकटों में, बीमारी में, समाधि मरण के टाइम यदि भगवान की मंदिर नहीं मिलेगा, ज्ञानी जीव नहीं मिलेंगे और शास्त्र नहीं मिलेंगे तो वाइब्रेशन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अरे गायक के आश्रय से वाइब्रेशन बदलता है। ऐसे गलत गलत, अब गलत क्या, अपन लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, गुरुदेव मिल गए अपने, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब दृष्टांत तो मिल जाएंगे, सुमित प्रकाश जी नहीं आए थे तब आपको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही थी, और सुमित प्रकाश जी को देखते सही घर घर में एनर्जी आ गई, नहीं आ गई घर घर में, अच्छा नहीं लग रहा, अरे भैया 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 आनंद आ रहा, नहीं आ रहा, ये सब झूठी बात है प्रभु। हाँ, सम्यक ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता भैया, मतलब आगे चलते हैं अपन। जीव के द्वारा किया जा रहा है उसका नाम कर्म है, अर्थ विकल्प का नाम ज्ञान है, अर्थ विकल्प का नाम ज्ञान है। जीव का जो कर्म है, जीव के द्वारा जो किया जा रहा है वो कर्म है, इसमें दोनों ही लेना है, कौन कौन सा, शुद्ध कर्म भी तो अशुद्ध कर्म भी, आगे इसकी चर्चा करेंगे। भाई अनेक प्रकार का है, सुख अथवा दुख, वह कर्म फल कहा गया है। यहाँ पर जरा ध्यान से सुनना, हालांकि जिनको पहले से चेतना के बारे में नहीं मालूम होगा उन्हें तो सब कुछ नया है, लेकिन जिन्होंने सुना होगा, कम से कम मैंने जब पहले पढ़ा सुना था तो मेरी भ्रांतियाँ तो बहुत दूर हुई। यहाँ सुख दुख शब्द लिखा है, सुख दुख, सुख दुख। यहाँ जो लोग प्रवचन सार जी के स्वाध्यायी होंगे उन्होंने पहले अध्याय में पढ़ा होगा, इंद्री सुख पण दुख है, इसका मतलब दुख के दो रूप भेद हुए। दुख के दो भेद हुए,
दुख के दो भेद हैं, हर्ष हर्ष और शोक, समझ रहे हो? इंद्रिय ज्ञान वो इंद्रिय सुख और इंद्रिय दुख, ये दोनों दुख हैं। पहले अधिकार में आ गई ये बात, इंद्रिय सुख भी दुख ही है। पहली गाथा में तो लिखा, पहले मतलब उसके पहले तो लिखा है कि इंद्रिय सुख दुख को भोगता है, इंद्रिय सुख को इंद्रिय सुख को और दुख को भोगता है। और अगली गाथा में जाके कहते हैं कि इंद्रिय सुख सुख ही नहीं है, दुख ही है। अब इसमें ही मेहनत करनी पड़ेगी मुझे तो। अभी तक अपन लोग इसी में आनंद आता, चलो इंद्रियों का सुख तो मिल रहा है, क्यों फ्रिज कूलर से क्या मिलता है आपको? इंद्रिय सुख की दुख बोलो तो कम से कम। अच्छा रसगुल्ला खाया हाँ भैया, अच्छा रसगुल्ला खाया, मजा आवे छे कि नहीं आवे छे? अब एक काम करूँगा, इसके लिए आपको वो गाथा ही सुना दूंगा पढ़ करके, कल अपन उस गाथा को खोलेंगे, आप भी देख के आना। पहले अधिकार में कौन से नंबर की, नंबर मैं भूल जाता हूँ, कौन से नंबर के आसपास होना चाहिए देख लेना आप, 50 से 70 के बीच में फटाफट देख लेना जरा। मैं तो चाहता हूँ भैया आप लोग स्टडी करो थोड़ा सा, वो दोनों ही गाथाएँ देखो, पहले कहा इंद्रिय सुख दुख और फिर कहते हैं कि भाई इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख ही है। क्या करे बोला, हमारी गाड़ी तो वहीं अटक गई, क्यों? फिर समझो, यहाँ सुख माने अतिंद्रिय सुख और दुख माने इंद्रिय सुख दुख, याद रहेगा? याद रहेगा, सुख माने अतिंद्रिय सुख, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, वो वास्तव में सुख है और उसका नाम आत्मा का कर्म है, वो आत्मा का कर्म है। और फिर वापस इंद्रिय सुख वो दुख है, इंद्रिय का सुख। पंडित जी आप बार बार सुख को ही दुख बोले जा रहे हो, तो हम क्या सब दुखी हैं? आप क्या कहूँ आपको, यही मोह का नशा है कि आप दुख में सुख मानते हो। क्या कहूँ मैं, एक परमात्मा को ध्रुव भगवान को और तुम नौ कर्म में बंद करके रखते हो, पूरी ने राखो छो और फिर ऊपर से घर, अब लंबी लिस्ट है वो नौ कर्म, बाप रे कितनी ठेक चार, शरीर को आत्मा को तो रोटी भी नहीं मिली आज तक, शरीर को कम से कम दिन भर काम करने के बाद रोटी तो मिलती है। क्या कहा, क्या कहा, शरीर को दिन भर काम करने के बाद कम से कम रोटी तो मिलती है, कपड़ा तो मिलता है, लेकिन भगवान आत्मा को तो आज तक एक परमाणु मात्र नहीं मिला। इंद्रियों को तो फिर भी तुम साता का वेदन कह देते हो, लेकिन भगवान आत्मा को तो दुख का ही वेदन हुआ है। आपको याद हो तो मैं दृष्टांत दिलाऊं, याद जैन सिद्धांत प्रवेश का, मैं हमेशा कहता हूँ जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाने के बाद मुझे कुछ बाकी नहीं रहा। जैन सिद्धांत प्रवेश का मैंने एक दृष्टांत दिया था, आपको याद हो तो, कि अमेरिका का राष्ट्रपति को भारत में किसी ने कैद कर लिया, उन लोगों ने आ गए ना स्वीपर लोगों ने, और एक ही शर्त पर आप यहाँ से वापस जा सकते हो कि भारत की गली गली में आप वो मलमूत्र का घड़ा सिर पर रख करके एक ही गली में घूमो आप, तभी आप हमारे देश से वापस जा सकते हो, नहीं तो नहीं जाओगे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति मजबूर बेचारा क्या करे, आदिवासियों ने घेर लिया छत्तीसगढ़ी ने, नक्सलियों ने आप क्या करे, तो आतंकवादियों ने घेर लिया, क्या करे? तो ठीक है भैया, तो उसने सिर पर घड़ा रखा और चलने लगा, चलने लगा तो मीडिया आ गई, 1000 चैनल आ गए पूरे वर्ल्ड के, क्यों? अमेरिका का राष्ट्रपति ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। उसका इंटरव्यू ले रहे, आपको कैसा लग रहा है? मुझे अमेरिका वापस लौटने का आनंद आ रहा है। मैंने कल्पना तो करो जरा कैसा होगा। और बाद में उस बेचारे को फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत मेहनत करा रहे हैं गर्मियों में, थोड़ा जूता पहन लो आप, जूते ले लो, जूते दे दिए उसको,
फिर अच्छे कपड़े दे दिए थोड़े से, फिर साथ में एक नर्स दे दी मैंने, पत्नी फॉर नर्सिंग, एक पत्नी दे दी, चलो चलो अकेले मतलब हैरान नहीं हो, एक छाता भी दे दिया, फिर सिर पे मत रखो गड़ा, एक ट्रॉली दे दी छोटी सी। एक एग्जांपल है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं कहना है। मैंने बताओ उसे पुण्य का उदय कब आया, एक स्त्री मिल गई सहयोग के लिए, ट्रॉली मिल गई, छाता मिल गया, ये उसके पुण्य का उदय। देखा जाए तो पहले की तुलना में राहत तो मिली है, गर्म जमीन पर नंगे पांव चलने की तुलना में जूते का मिलना साता का उदय है, ध्यान रखना बिल्कुल साता का उदय है। एक पत्नी समय समय पर पानी दे देती है, नाश्ता दे देती है चलते चलते, ये साता का उदय है। कपड़े मिल गए ये साता का उदय है, छाता मिला ये साता का उदय है। लेकिन उस अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछो उसे कितना परसेंट आनंद की वृद्धि हुई, बोलो कितनी वृद्धि हुई। उसे तो क्या कहें, बस समझ तो गए ना भाव। आपको याद है मैंने इसके साथ एक पंक्ति सुनाई थी आपको, मल मूत्र मास का घड़ा रात दिन सड़ा तुझे नित पड़ा, नित तुम्हें नित्य पड़ा उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। आप बोलो तुम्हें घर में आनंद है कि नहीं। पंडित जी क्या बताऊं, 1 करोड़ का पैकेज। मैंने अपने पंडित साहब की एक बात बताई थी, जॉब करी और छोड़ी, और पंडित साहब के पास आकर कहा पंडित साहब आज मुझे बहुत आनंद है, आज मैंने निवृत्ति ले ली नौकरी से और 1 लाख रुपए जोड़ लिया मैंने उस जमाने में। तो पंडित साहब मनु क्या बोले थे, 1 सेकंड भी आनंद नहीं आया। जिनकी स्वभाव पर दृष्टि होती है, संयोग और व्यवस्था पर दृष्टि नहीं होती, उनका ज्ञान देखो कितना काम करता है। 1 सेकंड भी आनंद नहीं आया, बहुत अच्छा किया, शाबाश निवृत्ति ले ली, बहुत अच्छा। उन्होंने ये कहा बेटा 1 लाख के लिए तुमने 10 साल खो दिए। मैं सच कहता हूँ ये वाक्य मैंने अपने लिए सुना है, मैं आप सबसे कहता हूँ हम किसके लिए समय खो रहे हैं, कौन से नौकर्म के लिए समय खो रहे हैं। रात्रि में नौकर में चल गया, मैंने आजकल बच्चे पढ़ते भी है ना तो नौकर्म के लिए, 3 साल का बच्चा भी पढ़ता है तो मम्मी एक ही बात कहती पढ़ ले नहीं तो कोई डिग्री नहीं देगा, अच्छी जॉब नहीं करेगा तो लड़की नहीं मिलेगी। क्या कमाल है, मैंने इतनी आराधना का केंद्र तो भगवान भी नहीं बनते जिंदगी में। मैंने पढ़ाई करे पत्नी के लिए जो आई तक नहीं है, अभी कदाचित जन्मी भी ना हो। अरे रे पढ़ाई उसके लिए, कमाई उसके लिए, मम्मी पापा से लड़ाई उसके लिए, और पूरी जिंदगी नौकर्म नौकर्म नौकर्म। बहुत सोचना भैया हमारा जीवन काय के लिए मिला है। धर्मात्मा भी हो जाए तो पैसे जोड़ने के लिए, करोड़ों रुपए इकट्ठे करो, ये साला खोलो वो साला खोलो, ये हॉस्पिटल खोलो वो बनवाओ। ब्रह्मचारी को इस काम में नहीं पढ़ना चाहिए, आत्मार्थियों किसी काम में नहीं पढ़ना चाहिए, एक बीजू नहीं मन रोग। इस मामले में मुझे श्रीमद जी और स्वामी जी एकदम आदर्श लगते हैं, बीजू नहीं मन रोग। जिनको ब्रह्मचर्य लेना हो एकदम अपना काम करो, किस चक्कर में नहीं पड़ा, बहुत मुश्किल पड़ती है, इसी में शान लगता है। मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचारी बोले क्यों, एक आवाज पर 10 करोड़ इकट्ठा हो जाता है, चूल्हे में गया। मुझे इसमें वो पंक्ति याद आ जाती है गुण शुभ चंद्र स्वामी की, जो उन्होंने भर्त हरि से कहा था कि यदि हमने दीक्षा ली है, यदि सोना ही प्राप्त करना था तो फिर अपन घर में ही अच्छे थे, अपने महलों में सोने की क्या कमी थी। तुम्हारी 12 बरस की तपस्या एक स्वर्ण रसायन के लिए चली गई, बेकार चली गई, तुम्हारे 12 बरस बिल्कुल बेकार चली। ऐसे हमको असफलता लगती नहीं है, अभी भी यही लगता है, पैसा पैसा पैसा, पत्नी बच्चे, हाँ पंडित जी मुझे तो ऐसा लगता है अभी मैं घर जाऊँगा ना तो अभी भी मुझे सुनाएंगे पंडित जी आपके आशीर्वाद से बद्दू जमी गयो।
हे प्रभु तूने सब कुछ खो दिया, बहुत समझो जरा क्या कह रहे कमल। इंद्री सुख दुख ही है, पढ़ना आप कहोगे तो मैं गाथा खोल के दिखाऊंगा आपको कल। बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं, इच्छा तो ऐसी होती है पूरा प्रवचन सारी एकदम पढ़ा दूंगी, एक दिन में तो पढ़ा भी नहीं सकते। कोशिश करूंगा दादर में ऐसी गाथाएं लूंगा मैं, इससे आगे की गाथाएं वहां ले लूंगा। इंद्री सुख दुख ही है, अरे आज तक मुझे खेत की परिभाषा नहीं मिली, खेत की परिभाषा कहीं नहीं मिली, इसमें खेत की परिभाषा आई है। इसका नाम खेद है, माने तुम कहते हैं ना रोटी खाने का विकल्प आनंद आ गया, यहाँ कह रहे हैं खेद है। तुमको लगता है 1 करोड़ रुपया आ गया आनंद आ गया, आनंद नहीं है खेद है। एक्चुअली वो परमात्मा पर दृष्टि नहीं है, कारण परमात्मा पर दृष्टि नहीं है, वो भगवान तत्व दिखता नहीं है, इसलिए मौज माने से समझ आ रहे भैया। कल एक बच्चा बोला, CA कर रहा था वो, कि आज तो मुझे बहुत घबराहट लग रही है। थोड़ी नौकरों की पिटाई हुई थी ना रात को, एकदम घबराहट लग रही है कि मैं तो CA बनने जा रहा हूँ, फिर लाखों करोड़ों का पैकेज, और फिर मैं तो समय ही नहीं मिलेगा। अभी समय नहीं मिला तो बाद में तो क्या मिलेगा? बिल्कुल नहीं भैया, मैं तो सीधी सीधी आत्महत्या कहता हूँ भैया। समझ आए भैया, नाराज नहीं हो ना भैया। क्या कहें भगवान, चलो आगे चलो। वह ज्ञान इंद्रिय सुख सुख दुख वह आत्मा को, आत्मा का कर्म फल कहा गया है। कर्म फल, कर्म का फल अनंत सुख प्रकट हुआ, वो कर्म का फल है, वो कर्म का नहीं, वो 8 कर्म का। और इसकी टीका में नीचे में खोलेंगे, अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आचार्य कुंकुम स्वामी के मूल शब्द है, तो अभी नीचे जाके खोलेंगे। अभी चले टीका पढ़ना शुरू करें। प्रथम तो प्रथम तो अमृतचंद स्वामी की बड़ी शैली है, प्रथम तो 144वीं गाथा में भी प्रथम तो अभी यहाँ कहते देखो, प्रथम तो अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। वहां अर्थ क्या है कि स्वयं पर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व, अपने समझा दिया पहले, अवस्थित विश्व वह अर्थ है। अब यहाँ अर्थ का अर्थ नहीं करूंगा मैं, क्यों अर्थ का अर्थ करने बैठ जाऊंगा तो 10 दिन बीत जाएंगे, वो आपको पहले अधिकार में जानना चाहिए। फिर भी लेकिन अब सब लोग तो नहीं पढ़ेंगे ना पहला अधिकार, तो इशारा तो कर ही देना चाहिए थोड़ा सा। विश्व अर्थ है, अर्थ माने विश्व है, क्षेत्रव है, सरल भाषा में कहो तो व्यवस्थित अर्थ है। क्या कहा, क्या कहा? अर्थ माने विश्व, अर्थ माने क्षेत्रव्य, और अर्थ का मतलब है अनर्थ नहीं कहा, अनर्थ नहीं कहा, अव्यवस्थित नहीं कहा। और ये शिक्षा होती इस पर 1 घंटा बोला, क्या कह रहे, अव्यवस्थित नहीं है। मिथ्या दृष्टि को अव्यवस्थित दिखाई देता है, और सम्यक दृष्टि को एक भी पर्याय बदलने लायक नहीं दिखाई देती। हमको अभी भी ऐसे ही लगता है, समझो जरा, एक पार्टी का नाम सुनोगे आप? ये सारी गवर्नमेंट जितनी भी आपने आज तक देखी ना, ये सबसे व्याकुल पार्टी है। मैंने इसको एकदम ऐसा लगता है, एकदम बीमार है वो, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उसको, सब बीमारी सब कुछ, हैरान परेशान हैरान। मैं दूसरी बात कहता हूँ, गुरुदेव श्री की पार्टी का नाम भी आप है, AAP का मतलब अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानो, हाँ कैसे कैसे दिखा, आपको पता है मुनिराजों को जो शुद्धोपयोग होता है ना, वो अर्थ विकल्प का परिणाम है। मतलब छोटी मोटी बात नहीं समझना, अर्थ विकल्प पूरे विश्व को व्यवस्थित समझते थे, कोई करने का काम नहीं बचा, इसलिए सदुपयोग हो जाता है।
इस तरह विकल्प टूटता है। अभी आपने को क्या लग रहा है, घर अव्यवस्थित, पत्नी अव्यवस्थित, बच्चे अव्यवस्थित, और कोई नहीं सुनता, अपनी अपन कर करके हार गए, मर गए, चलो अपन ही पढ़ लो भैया, अपना ही कल्याण कर लो, कोई नहीं सुधरेगा, कोई नहीं बदलेगा, अपन अपने ही कल्याण कर लो। भाग पहले समझ, पूरा विश्व एकदम एक्यूरेट व्यवस्थित पढ़ रहा है, एक पर्याय तक की अव्यवस्था नहीं है। पंडित जी ऑब्जेक्शन, तो अभी हम दुखी हैं जी, व्यवस्थित पर्याय है, यस, और हम चार गति में गए हैं जी, व्यवस्थित है, यस, कि समन भद्र स्वामी को 23वें नंबर का तीर्थंकर बनना है, ये व्यवस्थित है। पंडित जी आपको पता है 23वें नंबर पर आने के लिए उन्हें निगोद जाना कंपलसरी है, उनको मिथ्यात में आना पड़ेगा और फिर 84 में रखेंगे। पंडित जी सोच के बोलो, प्रभु सब व्यवस्थित है, क्या कहें, कैसे समझाऊं इतना विस्तार का प्रवचन, पिछले वर्षों सब सुना चुका हूं, इसलिए मैं केवल इशारे कर रहा हूं आपको, प्रभु स्वाध्याय कर, स्वाध्याय कर, काय के लिए कर स्वाध्याय, व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, और सुन अपनी पर्याय की व्यवस्था बनाने के लिए भी नहीं। पहले अधिकार के एंड एंड में लगभग लगभग अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, यदि ऐसा है तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हो गई, समझ में आ रहा है, आपको चार गति की व्यवस्था नहीं बनानी है, आपको हमने केजरीवाल नहीं बनाया है। आपको हमने ट्रैफिक पुलिस नहीं बनाया कि आप सबकी व्यवस्था करते रहो, हाथ हिलाते रहो। अभी सोचना, मुस्कुरा रहे हो, ये मुस्कुराहट बनी रही तो मजे ही आ गया, बस यहाँ से जाते से ही लगता है, वो पति को इतना समझाते हैं, पत्नी को इतना समझाते हैं, बच्चों को इतना समझाते हैं, मानते ही नहीं। पंडित जी तो ये राग तो अभी रखने लायक है ना निचली गुणस्थान में, ये तो करने लायक ही नहीं, तो ऐसे तो घर ही मिट जाएगा। हाँ तेरी मिथ्यात बोल रहा है, तुम्हारा मिथ्यात बोल रहा है कि तुम्हारे बिना घर नहीं चलता। राजेंद्र कुमार जी पंडित साहब कहते ना, छिपकली की तरह छत पे लटक गए और ऐसा लगता है छत में हटी और छत गिरी, समझ में, छिपकली, छिपकली देखिए छत पर चलते हुए। तो उसके ऐसा लगता है कि यदि मेरे छह होते हैं, चार होते हैं उसके, चार, यदि मैं चार ना होते तो छत कब की गिर जाती। हाँ हाँ, प्रद्युम्न स्वामी जी कहते थे प्रवचन में, प्रद्युम्न कुमार कहता है तुम्हें संसार का थंब बनना हो तो बनो, हम तो जा रहे। माँ ने कहा बेटा हम साथ साथ में दीक्षा लेंगे, रुक जाओ, साथ में दीक्षा लेंगे, अभी कहाँ जा रहे हो। रुक्मणी ने कहा अभी मत जाओ, कि तुम्हें संसार का थंब बनना हो तो बनो, हम तो चले। कैसी गजब गजब बात, समझ में आ रहा कि नहीं भैया। ओहो बहुत सुंदर, फिर से विश्व किसे कहना, 93-94 नंबर की गाथा पढ़ना भैया, दूसरे अधिकार की, इसे समझने के लिए, अर्थ को समझने के लिए। पहले अधिकार में अर्थ के बारे में बताया, यहाँ पर आकर के महासत्ता बताई है, मेगा एग्जिस्टेंस अर्थात महाव्यवस्थित पदार्थ, इस एंगल से पढ़ना, बस जो इशारा कर दिया ना, इस चाबी से खोलना इसको, गाथा को, वो कुछ करने को दिखाई नहीं देता। कि साहब कई लोग मेरे से पूछते हैं आपको इतना धैर्य कैसे हो जाता है, मैं कहता हूँ भैया सम्यक दृष्टि को, मुनियों को तो कितना धैर्य होता है, आप कल्पना कर सकते हो कितना धैर्य। एक ही दृष्टांत दूं, ज़्यादा तो क्या दूं, महारी जी के सामने आदिनाथ को कितना धैर्य था। बोला 700 बरस का कोड और कितना धैर्य, कितना धैर्य। श्रीमा जी ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है, लोभ नहीं हो प्रवल सिद्धि निधान जो, प्रवल सिद्धियां भरी पड़ी हैं, एक सेकंड में विकल्प करें तो कोट दूर, और लोभ ही नहीं हिले, देखो ठीक करने का विकल्प का लोभ नहीं है, दे जल्दी ठीक हो जाए ये लोभ नहीं है। हाँ इसका नाम है गायक मूर्ति, ज्ञाता है हम तो भैया। अपन तो रसगुल्ला खा लेते, बाद में कहते अपन ज्ञाता है।
और रसगुल्ला नहीं मिले तो सबको मिल रहा हो, सबको, अपने को नहीं मिल रहा हो, बताओ कैसा लगता है? ज्ञाता छो अरे प्रभु, यहाँ तो असाता का उदय भी टालने का विकल्प नहीं आता, कितना ज्ञाता पना होगा। इसमें ध्यान रखना भैया, हो ज्ञाता तो आप हो ही, लेकिन यहाँ चारित का बल दिखा रही, यहाँ ज्ञाता के साथ किसका बल दिखा रहे हैं? चारित का बल। लेकिन आया काय के बल पर? कि इंद्रिय सुख हमें पहले ही सुख दिखाई नहीं देते थे, नंबर वन। और नंबर टू, सारा विश्व व्यवस्थित है, उसमें कुछ भी हमें करने की गुंजाइश नहीं, तो आप दीक्षा भी नहीं ले पाओगे। आपको यही लगेगा बस थोड़ा इसको सुधार दूं, एक आध साल का काम है बस, एक छः महीने काम हो रहेगा, थोड़ा प्लास्टर हो जाए और दो महीने की बात हो रहेगी बस। प्रभु तू बाहर देख देख करके कभी नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। अब पढ़ना प्रथमा लियो, आगे चलते हैं अपन। तो विश्व अर्थ है माने मना महाव्यवस्थित अर्थ है, उसके आकारों का, आकारों का, उसके आकारों का, आकार का मतलब निर्णय होता है और ज्ञान भी होता है। आकार का मतलब, आकार मतलब जैसे इसका डिजाइन, डिजाइन नहीं लेना। एक बात मुझे अभी बहुत अखरती है कि आने वाले समय में लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे और इसका ट्रांसलेशन कैसे हो इन भावों का आकार का अर्थ आप क्या करोगे बोलो? या आकार, ओहो आकार माने निर्णय, झलक, प्रतिभास, उन आकारों का। आपको याद है ज्ञाकार, आपको सब पढ़ा था, ज्ञानाकार और ज्ञाकार। ज्ञान में सदाकाल, दर्पण में दर्पण, और दर्पण में झलकने वाले आकार माने प्रतिबिंब माने प्रतिभास, उन आकारों का अभाषण व विकल्प है। आकार का झलकना वो विकल्प है, और दर्पण के निज विस्तार की भांति, लो दृष्टांत आ गया, दर्पण के निज विस्तार की भांति। विस्तार का मतलब अपने द्रवगुण पर्यायात्मक स्वरूप, बहुत मेहनत चाहिए पढ़ने पढ़ाने में। यह विस्तार आए नहीं तो गुण आती है, विस्तार का मतलब गुण होता है। दूसरे अधिकार में अपन पढ़ा चुके अभी महासत्ता के समय, विस्तार का मतलब गुण, और आयत का मतलब पर्याय, आयत का मतलब पर्याय। वैसे क्या है, दर्पण के निज विस्तार की भांति, अर्थात जैसे दर्पण के निज विस्तार में स्वयं और पर आकार एक ही साथ प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार, ए थोड़ा बोलता हूँ रोक करके, फास्ट बोलता हूँ, आपको लग रहा है वो फास्ट है, मुझे भी लग रहा है फास्ट हो रहा है। जरा इधर देखो, दर्पण क्या है ये बोलो जरा, मैं चाहता हूँ आपका उपयोग इधर आ जाए, थोड़ा बहुत घर चला गया तो इधर आ जाए जल्दी से। ये क्या है, क्या है बोलो नहीं, अच्छा ठीक। तो दर्पण में सभा दिख रही है, सभा दिख रही है, सभा में है ही नहीं, दिक्कत से रही है, सभा तो यहाँ है फिर से दर्पण में अपन दिखते हैं कि नहीं दर्पण में? ये तो लोक व्यवहार का कथन था कि दर्पण में हम दिखते हैं, लेकिन दर्पण में हम है ही नहीं तो दिखते कैसे हैं? सोचो सोचो सोचो, ओहो इसका मतलब है दर्पण में अपना आकार, आकार माने प्रतिभास, आकार माने आकार, ज्ञाकार,